गोवर्धन के बाद अब अपन बात करेंगे भाई दूज, जी जिसे आपने बताया था कि यम और यमुना, जब यमराज एक ही दिन होता है जिस दिन वो धरती पर आते हैं, तो उसके पीछे का इतिहास और कहानी बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। रक्षाबंधन का सबको पता है, लेकिन भाई दूज जो है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल। पूर्वजों ने यह विचार किया होगा, भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी ने जी धर्मशास्त्र के इतिहास में भाई दूज पर एक बहुत मार्मिक वाक्य लिखा है, जो मुझे, मैं बोलता हूं तो जो दर्शक लोग सुन रहे होंगे वे भी चित्त से बड़े, मतलब थोड़ा होता है ना कमजोर दिल वाले, उसको सुनेंगे। हमारे पूर्वजों ने यह विचार किया होगा कि बहिन, तब तो व्हाट्सअप था नहीं, कोई फोन नहीं, उन्होंने विचार किया होगा बहिन अपने ससुराल में चली गई है, भाई यहाँ प्रसन्न है, बहन वहां प्रसन्न है। बहन और भाई के प्रेम को सजीव रखने के लिए मेरी बहन कैसी है, उसको सारे सुख संसाधन प्राप्त है या नहीं, वो किस प्रकार से अपने जीवन को जी रही है, उसका सौभाग्य कैसा है, मेरे भांजे भांजी कैसे हैं, मेरा परिवार, उसका परिवार, मैं, वह मुझे स्मरण करती है कि नहीं करती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भाई दूज के रूप में भाई और बहन के इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए भ्रातृ द्वितीया भाई दूज के उत्सव का सृजन किया होगा। और चूंकि यह दीपावली के 3-4 दिनों से आकर के मिल गई है, ये भाई दूज मिल गई है, अतः यह दीपावली का ही अब एक अंग हो गई है। एक बात पीवी काणे जी ने बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, उन्हें भारत रत्न मिला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें भारत रत्न दिया था, वह उन्होंने लिखी है कि भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन के घर जाकर के खाना चाहिए, बहन को नहीं बुलाना चाहिए। ऐसा क्यों विधान बनाया? जिससे वो बहन की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, उसकी सारी स्थितियों को देख सके, मेरी बहन के पास किसी चीज की कमी तो कमी नहीं तो है। नहीं है। और लिखा है कि बहन को जाकर के वस्त्र देवे, धन देवे, अन्न देवे, जिससे बहन के प्रति, उस पिताजी ने जिस बहन का विवाह किया, भाई उसके प्रति सजग रहे, मेरी बहन है। इसी संबंध के जब पुरातन उत्सव को हम लोग खोजने लगते हैं तो यमराज और यमी, यम यमी का संवाद हमको ऋग्वेद में प्राप्त होता है। और अच्छा जब वह ऋग्वेद से प्रसंग प्राप्त होता है कि कैसे यम और यमी का बड़ा मार्मिक, बड़ा दिव्य प्रसंग है, कभी अवसर होगा तो जी मैं दर्शकों को उसको अवश्य, बिल्कुल, दर्शकों दर्शकों को तक ये नहीं पता पहुंचाऊंगा। होगा हमारे कि यम और यमी का भी इसके पीछे जी, इतिहास है। और आनंद की बात है कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं यम, और बिल्कुल भगवान सूर्य की पुत्री है माता यमुना, ये जी, सूर्य सुता है, वे अच्छा सूर्य पुत्र हैं यमराज। तो वे धरती पर उतर करके जो साक्षात जल रूप में बह करके समस्त सनातन धर्म को, भारतवर्ष को आलोकित कर रही है, अनादि काल से यमुना माता की महिमा है। वेदों में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे जो लीलाएं की, वहां यमुना जी जो भगवान की पटरानी है, भगवान की 8 पटरानी में यमुना माता है, वे भगवान यमराज की पत्नी बहन है, यमराज महाराज वहां उतर करके राखी बंधवाते हैं, पूछते हैं अपनी बहन को, मेरी बहन ठीक हो, मेरे लायक कोई बात हो तो बताना, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। उसी संबंध को लेकर के भाई और बहन के इस मधुर पर्व का सृजन हमारे पूर्वजों ने किया, जिसे बहुत श्रद्धा, उल्लास, निष्ठा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए। भाई को भी अपनी बहन के प्रति संपूर्ण समर्पित होना चाहिए, और बहन को भी अपने भाई के प्रति संपूर्ण समर्पण से, बड़ी श्रेष्ठ भावनाओं को उसको देते हुए, बड़ी श्रेष्ठ मनोकामनाओं को प्रकट करते हुए, अपने भाई के उत्कर्ष और अभ्युदय का, अभ्युदय के लिए भगवान से प्रार्थना। तो ये थे हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, जिन्होंने बताया कि सनातन के बारे में हमें जानकारी दी, हमें हमारे त्योहारों के बारे में बताया। दीपावली जो एक एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का एक त्योहार है, एक उपलक्ष्य है, जिसके बारे में उन्होंने गहराई से हमें जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए नगरी मीडिया, मैं हूँ अभिजीत शर्मा।